क्लास 10th के इस लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं मैग्नेट काम कैसे करता होगा। तो क्या आपने कभी भी ट्रेन को चलते हुए देखा है? ट्रेन के ऊपर बैठ के नहीं, प्लेटफॉर्म से या फिर नीचे से। तो आप देखोगे ट्रेन बहुत तेजी से, काफी तेजी के साथ पास कर जाता है। लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जब ट्रेन पास कर रहा होता है उसी वक्त आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है, ट्रेन बस तेज रफ्तार के साथ पास कर रहा है, और जैसे ही ट्रेन पास करता है आप देखोगे उसके जो चक्के होते हैं जो लगातार घूम रहे होते हैं आगे की तरफ ट्रेन के, हाँ जो आगे लेके इस ट्रेन को जा रहा है, उधर हो क्या रहा है, वो हवा को अपने तरफ खींच रहा है अंदर की तरफ और पीछे की तरफ फेंक रहा है, और उसी के कारण से वहां पे आपको एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। हाँ, जब एक ट्रेन पास करता है तो आपको जो फील होने वाला है एग्जैक्टली मैं वो बता रहा हूँ, आपको लगेगा ये ट्रेन का जो नीचे वाला चक्का है वो आपको खींचे जा रहा है। यदि आप उसके जस्ट अगल बगल में हो तो आपको लगेगा वो खींच रहा है, और यदि आप उसके 6 इंच 7 इंच हटके यदि खड़े हो तो हो सकता है वो आपको खींच भी ले, आपका हाथ या पाँव कट भी सकता है। तो हो क्या रहा था, ये क्यों हो रहा था, क्या यदि वही ट्रेन रुका हुआ रहता तो ऐसा होता? तो इसको चेक करने के लिए आप काम कर सकते हैं, जो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या वॉशिंग फिट पे लगा हुआ है आप उसके पास जाओ, देखोगे चक्के में हमने पूरा का पूरा खुद को सटा दिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या था जो चलते हुए ट्रेन में था और रुके हुए ट्रेन में नहीं? तो यदि आप को सही में समझना है तो आप ऐसे देखो, ट्रेन कई सारी बॉगियों से मिलके बना हुआ था, राइट? और वो सारी की सारी बॉगियां इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक फिक्स डायरेक्शन में, राइट? और वो पास कर रही थी तेजी से, इसका मतलब ट्रेन में आया करंट, और जैसे ही ट्रेन में करंट आया उसके चारों तरफ कुछ एरियाएं बन गई जहां पे उस ट्रेन का अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेन का फील्ड लाइन, राइट? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। जैसे ये एक वायर यदि होती और इससे होके यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता तो इसके चारों तरफ, जैसे ट्रेन के पास होने से क्या हो रही थी, उसके चक्के के चारों तरफ यदि इस साइड वाला भी देखो, पटरी दो होता है ना, उसके उस साइड भी रहो या इस साइड रहो, दोनों तरफ से क्या हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। सेम काम यहाँ पे भी होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या फिर इलेक्ट्रॉन पास होने लगेगा एक फिक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है, एक फील्ड लाइन बनाती है, एक एरिया बनाती है। अब इसी फील्ड लाइन को समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप कभी भी स्विमिंग किए हो क्या? यदि तैरे होगे तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे तैर रहे हो वैसे वैसे पानी में गोल गोल राउंड राउंड एक सर्कल सा बनते जा रहा है। हाँ, वो वेव के कारण बनता है, लेकिन उसी वेव के कारण वो सर्कल सा बनते जाते हैं। और इस सर्कल की दो बातें, पहली तो जो पास वाला सर्कल है ना वो तेजी से काम करेगा, वो तेजी से बन जाएगा, और जैसे जैसे दूर जा रहा है वो सर्कल उसका फंक्शन स्लो हो रहा है, पहला काम, राइट? दूसरा काम क्या होता है उसी सर्कल में, तो आप देखोगे यदि आपके जस्ट नजदीक में यदि कोई है तो उसको उस सर्कल का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि आपके बगल में कोई है और आप कूद जाओ पानी में तो क्या होगा, बगल वाला टगमगा जाता है, हो सकता है वो गिर भी जाए पानी में। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि नजदीक में जहां पे वो आदमी कूदा या फिर मैं तैर रहा हूं तो मेरे नजदीक में जो वो वेव होंगे वो तेज होंगे और दूर में कम। आप उसी वेव को यहाँ पे फील्ड लाइन समझ सकते, और बिल्कुल वैसे ही पास वाले फील्ड लाइन जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं और दूर वाले कमजोर होते चले जाते हैं। अब इस फील्ड लाइन का काम क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक टाइप के सब्सटेंस है, मैग्नेटिक टाइप के सब्सटेंस मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं का कहने का मतलब समझ लो, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस फील्ड लाइन के अंदर आए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सके, एंड जिसके इलेक्ट्रॉन का या मॉलिक्यूल का डायरेक्शन चेंज हो सके, तो वो सारा का सारा क्या कर सकता है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आएगी उसके फील्ड लाइन जो होते हैं वो उसके मॉलिक्यूल को अरेंज कर देते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में। अब जैसे ही अरेंज किए वो खुद भी क्या बन गया, एक मैग्नेट,
तो अब इसके अलावे और ये बाकी चीजें हैं जो हम अगले पार्ट में देख रहे हैं, राइट। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।